देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए क्रिमिनल कानून को लेकर रुद्रपुर के पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर के द्वारा जनपद में तैनात उप निरीक्षक, निरीक्षक और विवेचकों को नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यशाला में बताया गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1983 और IPC की जगह लेंगे। भारतीय न्याय संहिता में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, वहीं IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये बेसिकली 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून हैं, जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, उनको रिप्लेस करेंगे, जिसमें के न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये ऐड हो रहे हैं। तो इन्हीं के संबंध में जो है सब इंस्पेक्टर और जो भी विवेचक हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। और इसमें पुलिस मुख्यालय में जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी वहाँ पे मिली है, मास्टर ट्रेनर्स मिले हैं। और हम लोग ये सेशन जो है ये 4 सीरीज में हम लोग ये कराएंगे और ये ट्रेनिंग लगातार अभी जारी रहेगी जब तक ये लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते। और ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद इनकी और भी री एनफोर्समेंट वाली भी ट्रेनिंग कराएगी।